हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार, आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कूलॉम के बल को पढ़ा था। कूलॉम का नियम हमें दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण देता है, जो कि हमने देखा था F=K q1 q2/r². आज अपन कूलॉम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। तो हमें पता है बल एक सदिश राशि है और उसकी दिशा को व्यक्त करना हमारे लिए जरूरी है। तो आज अपन वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया है यहाँ पे, जिसके अंदर अपन ने दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2। तो हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2। ये निर्देश तंत्र में मूल बिंदु से R1 वेक्टर और R2 वेक्टर इनके स्थिति सदिश है, ठीक है। अब आपको पता है कूलॉम का बल आपने पढ़ा है, उसके अंदर आपने देखा था ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है और ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है। तो हम थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं कि माना निर्वात में दो आवेश Q1 और Q2 स्थित है और मूल बिंदु से इनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर है, ठीक है। तो हमने एक रेफरेंस फ्रेम बना दिया और यहाँ पे अपन ने मूल बिंदु बना दिया और यहाँ से Q1 और Q2 आवेश को प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा अपन इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूलॉम्स लॉ जो है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो है परिमाण देता है, ठीक है। तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है और ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। तो देखेंगे जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है तो ये जो आवेश है इस आवेश पर बल लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। चूंकि ये क्या है, दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो धनात्मक आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाता है तो उसकी दिशा किस ओर होती है, इधर की ओर। इसको क्या है करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो देखेंगे इस बल को जो अपन क्या नाम देंगे, थोड़ा समझना कि फोर्स किस पर लग रहा है, चार्ज 2 पर, किसके कारण, Q1 के कारण। तो अपन कैसे लिखेंगे, F21 और वेक्टर, ठीक है। देखिए चार्ज ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको अपन कैसे बोलते हैं, देखिए ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाता है तो उसकी दिशा इस ओर होती है, और उसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, आवेश 2 पर 1 के कारण बल, ठीक है। तो ये आवेश भी इस आवेश पर बल लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, F12, क्या लिखेंगे, F12, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, यानी कि आवेश 1 पर दूसरे आवेश के कारण बल। इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इनका जो स्थिति सदिश है उसको अपन व्यक्त करने के लिए आपने सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा है। क्या कहता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, जब दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजा को व्यक्त करे तो तीसरी भुजा जो है विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो उधर की ओर लगेगा। तो जब Q1 आवेश, देखेंगे यहाँ पे, जब आवेश Q1 आवेश Q2 पर बल लगाता है तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा, देखिए सदिश योग का त्रिभुज नियम मैंने आपको समझाया कि ये जो दो क्रमागत भुजा है इनका योग विपरीत क्रम में तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो R1 प्लस, अब देखिए यहां पे क्या आएगा, R21, क्या आएगा, R21, देखिए 1 से 2 की ओर, ये देखो चार्ज 1 से 2 की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसको अपन क्या देखेंगे, लिखेंगे चार्ज 1 से 2 की ओर, ठीक है, स्थिति सदिश। तो R21, तो R1 प्लस R21 इजिकल टू क्या होगा, R2, क्या होगा, R2। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, R21 बराबर, ये R21 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1, ठीक है, R21 इजिकल टू R2 माइनस R1, ठीक है। अब देखेंगे कि जब आवेश Q1 Q2 पर बल लगाता है तो उस फोर्स को अपन ने क्या लिखा, F21, ठीक है। तो जब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो Q2 पर लगने वाला बल यानी कि फोर्स 2 पे किसके कारण, 1 के कारण, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, F21, यानी कि
वह 2 पे 1 के कारण फोर्स, ठीक है। और आपने कूलम का नियम पढ़ा था, उसके अंदर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है अपन ने परिमाण निकाला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे के, अपने पास दो चार्ज है Q1 और Q2, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अब R क्या है अपने पास, ये जो स्थिति वेक्टर है इसका परिमाण लेंगे तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी, इसको क्या लिखेंगे R21 का परिमाण और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है R स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, डायरेक्शन से, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखिए किस और होगा R21, क्या होगा R21, देखिए R21, ये जो फोर्स है F21 किधर लग रहा है, इससे इधर की ओर लग रहा है, इसकी डायरेक्शन ये, देखो ये यूनिट वेक्टर है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर वेक्टर के अंदर, ये यूनिट वेक्टर किसी भी जो है सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो अपने यहाँ बल है, बल की दिशा को ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा था एकांक सदिश क्लास 11 के अंदर अपने पढ़ा है एकांक सदिश, इसका मतलब क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, अपन ने पढ़ा है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। तो देखिए अपने पास यहाँ पे एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर दिशा को प्रदर्शित करने वाला, ठीक है। तो R21 बराबर क्या होगा, R21 वेक्टर और उसका परिमाण R21, ठीक है। देखिए आपने ये पढ़ा ही है एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, तो और डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए सदिश बराबर क्या होता है, सदिश का परिमाण इनटू दिशा, ये होता है आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां से दिशा बराबर क्या होगा, दिशा को एकांक सदिश बोलते हैं, एकांक सदिश बराबर क्या होगा, सदिश बटा सदिश का परिमाण इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है, वही अपन ने यहां पे लिखा है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास एकांक सदिश क्या है R21, और उसको अपन कैसे लिखेंगे R21 अपॉन R21 का परिमाण। तो देखेंगे के Q1 Q2 अपॉन, यहां पे अब क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जगह ये लिख लेंगे चूंकि, तो ये R21 वेक्टर अपॉन R21 का परिमाण, और यहां पे कितना था स्क्वायर, और एक जुड़ जाएगा तो कितनी 3 घात हो जाएगी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं 3 घात हो जाएगी R21 वेक्टर का क्यूब, ठीक है। ये जो है R21 वेक्टर, ये जो स्केलर, ये जो R21 जो है एकांक सदिश, इसका मतलब ये होता है, और वो अपन ने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि जब आवेश, अपन ने देखा जब आवेश Q1 आवेश Q2 पर बल लगाता है तो अपने पास फोर्स आया था F2। अब जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो देखेंगे अपन इसको बना देते हैं यहाँ पे, ये अपन ने मूल बिंदु लिया है और यहाँ से दो आवेश की स्थिति ले ली Q1, ये Q1 और ये Q2, ठीक है, ये मूल बिंदु से ले लिया अपन ने, इनका जो वेक्टर है स्थिति सदिश R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर है, ठीक है। अब आवेश Q2 जब Q1 पर बल लगाता है तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, उधर की ओर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का नाम अपन ने क्या दिया था, किस पर लग रहा है 1 पर, किसके कारण 2 के कारण, तो क्या लिखेंगे F12, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल F12, ठीक है। अब इसकी जो स्थिति सदिश है पोजीशन वेक्टर उसको कैसे दिखाएंगे अपन, 2 से 1 की ओर, ठीक है, R12 इसकी दिशा ये होगी और इसकी दिशा ये थी, इसकी दिशा ये हो जाएगी इधर की ओर, ठीक है। तो अपन यहां लिखेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल किस पर लग रहा है, Q1 पर, किसके कारण, Q2 के कारण, तो कैसे लिखेंगे F12,
ठीक है। और हमको पता है फोर्स का क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताई, इसका परिमाण ले लेंगे आर वन टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आर वन टू का परिमाण, ठीक है, और इसका स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखेंगे यूनिट वेक्टर, इसकी दिशा को दर्शाने वाला आर वन टू, ठीक है। फिर इसी तरीके से आर वन टू बराबर क्या होगा, आर वन टू वैक्टर अपॉन आर वन टू वैक्टर का परिमाण, ठीक है। तो ये चीज यहां पे लिख दो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा यहां पे आर वन टू, और यहां पे आर वन टू वैक्टर, और ये नीचे लिखा तो यहां पे दो घात थी, यहां पे क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास दोनों फोर्स आ गए F12 और F21। तो आपने इसके अंदर एक चीज नोट की होंगी कि जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होती है, जब ये आवेश इस आवेश पर बल लगाता है तो उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होती है, ठीक है। और सेम डिस्टेंस में है तो देखिए परिमाण तो इनका बराबर है, इनके बीच की दूरी जो है वो तो बराबर है, लेकिन दिशा क्या है विपरीत है। तो चित्र से अपन लिख सकते हैं, मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, देखेंगे तो देखेंगे अपने चित्र से R12 वेक्टर का परिमाण और R21 ये दोनों क्या है इक्वल है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के अंदर क्या है बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है। तो अपन लिख सकते हैं R12 की जो डायरेक्शन है और R21 उसकी डायरेक्शन है वो दोनों क्या है ऑपोजिट है यानी विपरीत है, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं R12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ R21, R12 वेक्टर माइनस ऑफ R21, यानी कि परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। आप अपने चित्र के अंदर देखा ये आवेश इस पर बल लगाता है तो इधर की ओर, ये आवेश इस पर बल लगाता है तो इधर की ओर, ठीक है। तो समीकरण दो अपने पास क्या है, F12 is equal to K Q1 Q2 upon R12, ठीक है। तो F is equal to F12 is equal to K Q1 Q2 upon में क्या है अपने पास R12, और R12 को मैं क्या कह रहा हूँ R21 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे R12 की जगह 21 लिख दिया, ठीक है, इसका क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 की जगह, यहाँ पे R12 था इसकी जगह क्या हो जाएगा R21, और इसका क्या है माइनस में लगा देंगे क्योंकि परिमाण तो समान था लेकिन दिशा विपरीत थी, तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है ऑपोजिट है। तो देखेंगे ये माइनस आगे ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन वैक्टर का क्यूब मल्टीप्लाइड यहाँ पे क्या है आर टू वन वैक्टर, ठीक है। अब देखिए ये आपको ये वाला जो भाग है ये आपको समीकरण फर्स्ट दिख रहा होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन, ये जो है समीकरण यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, R21 का क्यूब मल्टीप्लाइड क्या है R21 वेक्टर, ये है। तो ये जो पूरा भाग है इसको अपन क्या लिख सकते हैं F21, क्या लिखेंगे F21, तो ये तो अपने पास F12 है तो F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ये पूरा क्या है F21, ठीक है, क्या है F21, और यहाँ पे क्या था माइनस। तो देखिए चार्ज टू के कारण वन पर फोर्स और वन के कारण टू पर फोर्स परिमाण में बराबर होता है दिशा में विपरीत होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कूलम का जो बल है न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है, कूलम का जो बल है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये अपने पास
यहाँ पे दोनों बल के परिमाण तो समान आए लेकिन दिशा क्या आई, विपरीत आई। तो अपन कह सकते हैं कि कूलम्ब बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का पालन करता है। और तृतीय नियम आपको पता है क्या होता है, कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी भी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है और उनकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। तो यहाँ पे अपन ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यानी कि कूलम्ब के नियम का सदिश रूप अपन ने पढ़ा। तो डायरेक्शन अपन कैसे देते हैं, यहाँ पे दोनों अपन ने पॉलिडिटी यानी कि इसकी जो ध्रुवता थी वो दोनों पॉजिटिव लिए थे तो एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन अपन ने बता दी। तो यहाँ आई होप यहाँ से आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ समझ में आया होगा।